सामाजिक, राजनीतिक और सामान्य समाचारों के लिए देखते रहिए ईजे टीवी न्यूज लाइव। ईजे न्यूज में आपका स्वागत है। माजी मुख्यमंत्री अशोक राव चौहान ने भोकर से अपनी विधानसभा उम्मीदवारी के चलते रिकॉर्ड तोड़ रैली निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया और सभा में आए हुए हजारों नागरिकों को संबोधित भी किया। विधानसभा चुनाव 2019 में कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की युति होने से राष्ट्रवादी के नेता भी इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में दिखाई दिए। इस महाशक्ति प्रदर्शन से भोकर में कांग्रेस लट दिखाई दे रही थी। वैसे भी भोकर कांग्रेस का गढ़ रहा है और अमिता चौहान इस मतदार संघ से आमदार चुनी गई हैं। इस महासभा में सैकड़ों लोगों ने कांग्रेस में प्रवेश भी किया। अशोक चौहान ने जैसे ही स्टेज पर आए, अशोक चौहान के चाहने वालों ने अशोक चौहान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए दिखाई दिए। इस अवसर पर अशोक चौहान ने बीजेपी पर जमकर निशाना लगाया और आम नागरिकों से अपील की कि वो किसी भी बहकावे में ना आते हुए कांग्रेस के हक में वोट डालें। अशोक राव चौहान साइडन का, कांग्रेस पक्ष का। हर दिन अपडेट न्यूज के लिए बने रहिए ईजे टीवी न्यूज लाइव के साथ।